हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज EQS SUV 580 की टेस्ट ड्राइव, नए ऑडी Q8 का रिव्यू, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे माइलेज के लिहाज से 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। सिर्फ माइलेज ही नहीं देखिए, आप ऑप्शंस और फीचर्स भी देखिए और उसके अंदर आपको बहुत बढ़िया स्कूटर जो है इलेक्ट्रिक फ्यूचर है, और इसीलिए मर्सिडीज पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ी EQS SUV 580 को लेकर आ गई है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या है खास, कितनी रेंज है, क्या कुछ मिलता है कंज्यूमर्स को, ये सब बातें जानने के लिए देखिए ये टेस्ट ड्राइव कुमार संजय के साथ। अगर आपको ईवी में लग्जरी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी तीनों चीज चाहिए तो आपके लिए एक गाड़ी है, वो है EQS SUV 580 आपके सामने है, जो भारत में लॉन्च हो चुकी है और इसकी कीमत है 1,41,00,000 रुपये, वो भी ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। इस गाड़ी के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में भारत में ये छठी ईवी कार है, और अभी तक इंडिया में जितने भी लग्जरी ईवी गाड़ी सेल होती है उनमें मर्सिडीज की गाड़ी काफ़ी ज़्यादा है, और इसके पीछे वजह है आप देख सकते हैं लुक, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस। जो इसका सामने का लुक है बिल्कुल अलग है, जो मर्सिडीज का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उनसे बिल्कुल अलग है, और ये ईवी को दर्शाता है। आप सामने से देखिए ये पूरा जो ग्रिल है वो स्लिक है, और यहाँ पर बड़ा सा मर्सिडीज का आपको लोगो मिल जाएगा, और ठीक इसके बोनट के ऊपर एक छोटा सा मर्सिडीज का एम्बलम मिल जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो आप यहाँ पर पहले देखते थे डॉट हो जाता है, यहाँ पर आप मर्सिडीज का जो साइन है स्टार का वो आपको ग्रिल पर मिल जाएगा, और जो इसका लैंप है, हेडलैम्प है, बिल्कुल स्लीक सोभर, लेकिन जो इसकी रोशनी है वो काफ़ी बेहतर है। आप देख सकते हैं जो लाइट है आप काफ़ी सिंपल रखा गया, और जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है उससे मैच करके बनाया गया, और जो इसकी रोशनी है काफ़ी बेहतर है, सामने वाली गाड़ी की रोशनी के हिसाब से जो इसकी रोशनी है कम या फिर ज़्यादा हो जाती है, और इसमें कई सारे LED पिक्सल को मिलाकर इसे बनाया गया, इसीलिए कंपनी इसे परफॉर्मेंस LED लाइट बोलती है। EQS SUV का जो साइड का जो प्रोफाइल आप लुक देखेंगे बिल्कुल अलग है, लगती है कि एकदम ह्यूज बड़ी गाड़ी है, और बड़ी गाड़ी है भी क्योंकि ये 7-सीटर गाड़ी है, लगती नहीं है कि ये 7-सीटर गाड़ी है, लेकिन इसमें 7-सीट का प्रोविजन दिया गया, और भी फुल 7-सीट, आराम से इसमें 7 एडल्ट लोग बैठ करके सफ़र कर सकते हैं। आप गौर से देखें जो इसका बोनट का लाइन है बिल्कुल यहाँ से लेकर के बॉडी के ऊपर से सिल्हूट एकदम पीछे तक जाता है, और इसके विंडो के चारों तरफ आपको क्रोम का स्ट्रिप लाइन मिल जाएगा, ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर के बाद यहाँ पर छोटा सा आपको एक क्वार्टर ग्लास भी आपको मिलता है, और जो इसका व्हील बेस है जो EQS है जो सेडान कार है उससे काफ़ी बड़ी है। वैसे मैं बताऊँ कि इसे EQS के प्लेटफॉर्म में बनाया गया, लेकिन ये एक्सटेंडेड व्हील बेस है, और जो इसका व्हील बेस का लंबाई है रियर व्हील से फ्रंट व्हील वो है 3.2 मीटर, तो आप समझ सकते हैं जिसका व्हील बेस का लंबाई 3.2 मीटर है उसमें आपको कितना स्पेस मिलता होगा। जो डोर के जो हैंडल्स हैं वो भी फ्लश डोर हैं जो इसे एरोडायनामिक बनाता है, और इसी वजह से जो इसकी रेंज है वो काफ़ी बेहतर है। EQS 580 का जो रियर लुक है सिंपल है, सोबर है, और मर्सिडीज की जितने भी EQ गाड़ियाँ हैं उनका जो रियर का डिज़ाइन लैंग्वेज है वो आपको सेम मिल जाएगा, और आप यहाँ पर गौर से देखें ये जो आप स्पॉइलर देख रहे हैं ये डिज़ाइन का पार्ट है, ऐसा ही लगता है कि अलग से फिट किया गया। यहाँ पर आपको EQS 580 का बैजिंग, मर्सिडीज का लोगो, फोर मैटिक इसलिए क्योंकि ये SUV है और ये फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है। जो इसके टेल लैंप है ये हेलिक्स टेल लैंप है, और ये आपस में कनेक्टेड है, और जो इसकी रोशनी है इतनी खूबसूरत है जब जलता है तो आपको इस पर दिल आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो इसका चार्जिंग पॉइंट है वो आपको यहाँ पर दिया गया, प्रेस करें और ये चार्जिंग पॉइंट खुल जाता है, वह यहाँ से गाड़ी को आप चार्ज कर सकते हैं, और मैं बताऊँ कि इससे आप 200 पावरफुल जो DC चार्जर है उससे भी आप चार्ज
कर सकते हैं। होम चार्जर तो है ही, साथ ही अगर आपको पावरफुल चार्जर मिलता है 200 डीसी चार्जर, उससे भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप उसे चार्ज करते हैं तो आधे घंटे में ये 0 से 80% गाड़ी चार्ज हो जाती है। बंद करना है, हल्का सा प्रेस कीजिए और ये अपने आप लॉक हो जाता है। बूट खोलना है, आप यहाँ से प्रेस कीजिए, बूट एक खुल जाता है। बूट खुलने के बाद, ये 7 सीटर वाली गाड़ी है लेकिन मैंने 3rd row seat फोल्ड कर रखा है। इसलिए फोल्ड कर रखा है ताकि आपको मैं बता सकूं कि इसके अंदर आपको कितना अच्छा आपको बूट स्पेस मिलता है। जी हाँ, 3rd row seat फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो बूट स्पेस का जो स्पेस मिलता है वो है 880 लीटर। और यह इसको फ्लैट रखा गया ताकि आप सामान आसानी से उतार सकें और रख सकें। आप यहाँ बैठ सकते हैं। बैठने के बाद अगर आपको लगता है कि 2nd row seat फोल्ड कर दें तो 2nd row seat फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर सो भी सकते हैं, इतना अच्छा यहाँ पर स्पेस बन जाता है। बंद करना है बुट को, आप यहाँ प्रेस कीजिए और ये लॉक हो जाता है। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या स्पेस मिलता है, कितना कंफर्ट मिलता है और क्या नए टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया गया है, आइए वो भी जान लेते हैं। EQS 580 SUV का जो आपका इंटीरियर स्पेस है आपको इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और आपने अगर माईबाग देखी होगी तो सेम उसका ही फील आपको यहाँ पर मिलेगा। वही सेम स्क्रीन आपको यहाँ पर दिया गया, ह्यूज 56 इंच का आपको ट्रिपल स्क्रीन मिलता है। और यहाँ पर जो बीच में जो स्क्रीन का साइज है वो है 17.7 इंच का स्क्रीन मिलता है। और दोनों साइड ड्राइवर डिस्प्ले, और यहाँ पर जो को ड्राइवर पैसेंजर के लिए यहाँ पर एक छोटा स्क्रीन दिया गया, इसका साइज है 12.3 इंच। और इसमें जितने भी फीचर्स दिए गए हैं सभी के कंट्रोल आपके टच है, कहीं भी आपको बटन यहाँ पर नहीं मिलता है। और यहाँ पर भी जो आप छोटा सा देख रहे हैं इसमें भी इसे आपको टच करना है और जो सारे फंक्शन हैं आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डायनेमिक यानी जो मोड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। EQ मोड दिया गया, आप प्रेस करते हैं यहाँ पर गाड़ी के जो कितना चार्जिंग बचा हुआ वो सब यहाँ पर डिस्प्ले होता है। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दिया गया, आप अपने फिंगर को यहाँ पर टच करके आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करना है, कुछ भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। वॉल्यूम को आप कंट्रोल करना आप यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ प्रेस कीजिए, यहाँ पर खुल जाता है, यहाँ पर ढेर सारा सामान रख सकते हैं। और इसके अंदर भी आपको सी पोर्ट का चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर 2 आपको बोतल होल्डर दिया गया और यहाँ पर मोबाइल वायरलेस चार्जर सिस्टम भी यहाँ पर दिया गया। बंद करना है, बंद कीजिए और ठीक इसके नीचे आपको ढेर सारा स्पेस मिलता है। जो स्टेयरिंग व्हील है ये नापा लेदर के बने हुए हैं और जो इसका टच एंड फील है मत पूछिए, आपका दिल आ जाएगा टच करने के बाद। और यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ दिया गया, प्रेस कीजिए और ये खुल जाता है। सीट है, वेंटिलेटेड सीट है और ये भी आपके प्योर लेदर के अपहोस्ट्री यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। गाड़ी चलाने में कैसी है, चलिए मेरे साथ इसकी राइड पर। परफॉर्मेंस की बात करें तो EQS 580 की जो रेंज है, जो कंपनी का दावा है वो है ERI के हिसाब से 809 किलोमीटर। और इसके पीछे जो मेन जो वजह है कि इसमें पावरफुल बैटरी पैक दिया गया, जी हाँ 122 किलोवाट का इसमें बैटरी पैक दिया गया है और इसी वजह से जो इसकी रेंज है इतनी अच्छी है। और जो इसका मोटर का जो आउटपुट है, इसमें 2 मोटर लगे हैं, ये 4-wheel drive है, 4MATIC है। और जो मोटर का जो आउटपुट है करीब 400 किलोवाट और टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है। जैसे आप थ्रोटल दबाएंगे फिर देखिए इसकी स्पीड, जो इसकी टॉप स्पीड है 210 किलोमीटर और ये 0 से 100 करीब करीब 4.7 सेकंड में छू लेती है। EQS 580 में आपको 4 ड्राइविंग मोड मिलते हैं और ड्राइविंग मोड सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ बटन दिया गया, आप जैसे इसे प्रेस करेंगे स्क्रीन में आपको शो करने लगेगा कि आप किस मोड में आपको चलाना है। पहला है इको, दूसरा है कंफर्ट, तीसरा है स्पोर्ट्स और चौथा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। EQS 580 का जो स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी स्मूथ है और एक्यूरेट भी है।
और इसमें एक और खास फीचर्स हैं, वो है कि इसके रियर व्हील में भी आपको स्टेयरिंग दिया, यानी जैसे आप टर्न करेंगे तो पीछे का जो व्हील है वो 10 डिग्री तक घूमता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कम से कम टर्निंग जगह में इस गाड़ी को आप इजीली आप टर्न कर सकते हैं। और जैसे आप हाई स्पीड में जाते हैं 60 से ऊपर, तो जो रियर व्हील जो स्टेयरिंग है अपोजिट डायरेक्शन में 10 डिग्री घूमता है। तो ये इस EQS की एक यूनिक फीचर्स हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो EQS 580 में 9 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट के साथ 360 डिग्री में कैमरा भी दिया गया। और इसमें एक ऑफ रोड मोड भी है, और ऑफ रोड मोड जैसे बटन दबाएंगे जो उसके कंट्रोल्स हैं सब कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्ले होता है। तो इस तरह से मैं कहूँगा जो EQS 580 जो SUV है वो कमाल के हैं, चाहे वो लग्जरी के मामले में हो या फिर सेफ्टी के मामले में हो। तो रेंज, कीमत और फीचर्स के हिसाब से मर्सिडीज़ EQS 580 एक बेहतरीन गाड़ी है। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे नई ऑडी Q8 का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। कुछ ही दिनों पहले ऑडी ने अपनी नई Q8 को लॉन्च किया। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में ये फेस लिफ्टेड मॉडल पहले ही आ चुका है, लेकिन अब फाइनली इंडियन मार्केट्स में आया है। लेकिन इस फेस लिफ्टेड वर्जन में क्या नया है, क्या चेंजेस सिर्फ कॉस्मेटिक हैं या फिर पावर ट्रेन में भी कोई बदलाव किया गया है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है ऑडी की फ्लैगशिप SUV ऑडी Q8, जिसे कंपनी ने हाल ही में नए डिजाइन और कुछ नए एलिमेंट्स के साथ लॉन्च किया है। दरअसल पहली बार ऑडी Q8 2020 में लॉन्च हुई थी। पिछले साल ग्लोबल मार्केट्स में ऑडी Q8 का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च हुआ और फाइनली इंडियन मार्केट्स में आई है। इसका जो प्राइस टैग है 1.14 करोड़ है, यानी अगर आप प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करेंगे तो ये लगभग 10 लाख रुपए महंगी है। अब बदलाव क्या किए गए हैं? बदलाव बाहर किए गए हैं, बदलाव अंदर किए गए हैं, लेकिन इंजन में कोई चेंजेस नहीं है। फेसलिफ्टेड Q8 में कंपनी ने एक्सटीरियर चेंजेस किए हैं, कुछ चेंजेस अंदर भी किए गए हैं, हालांकि इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो नोटवर्दी चेंजेस हैं, येट सटल चेंजेस हैं, जैसे कि इसके बम्पर को रीडिजाइन किया गया है, फ्रंट ग्रिल को थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया है, और सबसे बड़ा बदलाव है कि अब इसमें नए HD मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। वहीं एयर इंटेक्स के डिजाइन को भी कंपनी ने पहले के मुकाबले डिफर किया है। एक्सटीरियर में जो भी अपग्रेड्स हैं वो ग्रिल, बम्पर और हेडलाइट्स के चारों तरफ ही दिखाई देंगी। लार्ज ऑक्टागनल ग्रिल में अब आपको नए ऑक्टागनल अपर्चर्स भी मिलते हैं। ग्रिल वाइडर है और स्लाइट डिजाइन ट्वीक भी किया गया है। लेकिन जो बड़ा अपडेट है वो है नए HD मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, जिनमें आपको हाई पावर लेजर भी मिलता है, यानी हाई बीम भी मिलती है। और ये हाई बीम लेजर लाइट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है जब ये गाड़ी 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड को क्रॉस करती है। वहीं LED DRLs का डिजाइन डिफरेंट है और ये 4 कस्टमाइजेबल लाइट सिग्नेचर्स में मिलता है। चलते हैं रेयर की तरफ। रेयर में कनेक्टेड टेल लैंप पूरी गाड़ी में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। वहीं लाइट्स में अगेन आपको कस्टमाइजेबल पैटर्न मिलता है। फ्रेमलेस डोर हैं, जो कि एक नाइस स्पॉटी टच लेंड करते हैं, लेकिन येट एक डेलिकेट फीलिंग भी देते हैं। नई ऑडी Q8 में आपको लार्जर 21 इंच के व्हील्स मिलते हैं और अब इन व्हील्स में नए रेड ब्रेक कैलिपर्स भी मौजूद हैं। बूट स्पेस की बात की जाए तो बूट स्पेशियस है और इसमें 605 लीटर का लगेज स्पेस मिलता है और 40:20:40 स्प्लिट फोल्डिंग सिस्टम भी है, ताकि आप इस लगेज स्पेस को और इंक्रीज कर सकें। लेकिन अंडर फ्लोर स्टोरेज स्पेस में अब एक ह्यूज सबवूफर मिलता है, यानी कोई स्पेयर व्हील नहीं है। बात करते हैं हम इंटीरियर्स की। तो नई Q8 के अंदर जो चेंजेस हैं वो लिमिटेड हैं। आपको नई इंटीरियर कलर स्कीम्स मिलती हैं और डिफरेंट स्टिचिंग मिलती है अपहोलिस्ट्री पर। पहली वाली Q8 जैसे ही इंटीरियर्स आपको इसमें दिखाई देंगे। पूरी गाड़ी में सॉफ्ट टच मटेरियल्स ऑल अराउंड है, फिर चाहे वो डैशबोर्ड हो या डोर पैड्स क्यों ना हो। लेदर का काफी इस्तेमाल किया गया है। अब आपको इसमें टच स्क्रीन फंक्शंस मिलते हैं, यानी फिजिकल बटन्स को हटा दिया गया है और टच स्क्रीन फंक्शंस के साथ पूरा लेआउट जो इंटीरियर का है वो लुक एंड फील थोड़ी एक्सपेंसिव लेंड करता है। डैशबोर्ड में 3 स्क्रीन्स इंटीग्रेटेड हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट
और एसी कंट्रोल्स हैं जो कि एक मॉडर्न लुक लेंड करते हैं। अब बात करते हैं कुछ और टेक्नोलॉजी और सेफ्टी की। तो ऑडी Q8 दूसरे मार्केट्स में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी ADAS फीचर के साथ आती है, लेकिन जो इंडिया में बिक रही है उसमें ये फीचर मौजूद नहीं है। आपको ऑडी Q8 में रेगुलर क्रूज कंट्रोल विद स्पीड लिमिटर मिलता है और वार्निंग सिस्टम्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा है, 8 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर मौजूद है। कन्वीनियंस की बात करें तो ऑडी Q8 में आपको कुछ और कन्वीनियंस फीचर्स भी मिल सकते थे, जैसे कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स मौजूद नहीं है और ये वो फीचर है जो आजकल आपको बजट सेगमेंट की गाड़ियों में भी मिलता है। साथ ही इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग हाइट या फिर टेलीस्कोपिंग एडजस्टमेंट सिस्टम नहीं मिलता है जो कि इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में मौजूद है। यहाँ ये फीचर मैनुअल है। बात करते हैं पावर ट्रेन की। तो ऑडी Q8 में आपको प्री फेसलिफ्ट मॉडल वाला ही 3 लीटर का टर्बो पेट्रोल V6 इंजन मिलता है जो 340 PS की पावर और 500 Nm का टॉर्क लैंड करता है और इसको पेयर किया गया है 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से। यानी जो पावर है वो चारों व्हील्स को जाती है थ्रू 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। Audi Q8 0 टू 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड 5.6 सेकंड्स में हासिल कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आर है। Audi Q8 की ड्राइवेबिलिटी पहले जैसी ही है, पहले की ही तरह ये क्विक टू ओवरटेक है, इसका स्टीयरिंग प्रसाइज है, यानी इसके साथ आप ड्राइविंग एंजॉय करेंगे। एयर सस्पेंशन बेहतर है जो कि एक अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड करता है, फिर चाहे आपकी राइड स्टिफर साइड पर ही क्यों ना हो। तो ऑडी Q8 को और अपीलिंग बनाने के लिए थोड़े चेंजेस किए गए हैं, स्पेशली ऑन द एक्सटीरियर साइड। ऑल्दो ये ऑडी की फ्लैगशिप गाड़ी है और अपनी ड्राइवेबिलिटी के लिए काफी पसंद की जाती है, अब देखना ये होगा कि इन अपडेट्स के साथ 10 लाख रुपए की ज्यादा कीमत के साथ ये कितना पसंद आती है। राइवल्स की बात करें तो 2024 ऑडी Q8 का सीधा मुकाबला BMW X7 और मर्सिडीज बेंज GLS से होता है। गाड़ियों के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल, साथ ही इसके क्या हैं फायदे, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें। लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रेकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं। इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं, पहला मिनरल ऑयल जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं, दूसरा सिंथेटिक ऑयल जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है, तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है। ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है। मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं। आवाज ओवर ड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टू धवन हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो आपको बताएंगे 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देखते रहिए आवाज ओवर ड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। जो पहला सवाल हमें मिला है वो आशीष सिंघल का मिला है। ये एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं 125 सीसी सेगमेंट में, जानना चाहते हैं इस सेगमेंट में क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। आशीष जी, सिर्फ माइलेज ही नहीं देखिए, आप ऑप्शंस और फीचर्स भी देखिए और उसके अंदर आपको बहुत बढ़िया स्कूटर जो है TVS का जुपिटर जो जिन्होंने कहाँ से कहाँ तक अब पहुँचा दिया है, कहाँ तीसरा चौथा नंबर होता था अपने सेगमेंट में, अब वो इट इज़ फ्लाइंग हाई नाउ और उसके अंदर फीचर्स भी बहुत सारे उन्होंने डाल दिए हैं, इंक्लूडिंग सम वेरी वेरी यूजेबल फीचर्स। अब सीट के नीचे पहले फ्यूल टैंक होता था, वहाँ से हटा के उन्होंने आपको हेलमेट, दो हेलमेट रखने की जगह आ गई है, फ्यूल टैंक आपके फ्लोर के नीचे आ गया, फिलर कैप जो है वो सामने आपके नीज के पास आ गया। सो ऐसी बहुत सारी ऑप्शन है उन्होंने साथ में दे दी एंड यूजेबल,
प्लस साइड स्टैंड के सेफ्टी फीचर एक उन्होंने दे दिया, डिजिटल मीटर्स हैं, 12 इंच के फ्यूल, 12 इंच के टायर रिम्स हैं जिसके अंदर स्टेबिलिटी भी बेटर हो जाती है, व्हील बेस भी इसका ज़्यादा है टू मेक इट मोर कंफर्टेबल एंड स्टेबल। सो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो 125 सीसी इंजन के साथ 9 BHP निकालता हुआ उन्होंने दिए हैं। कंपनी का दावा 55 से 60 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का, हालांकि आपको 40 से 45 किलोमीटर बड़े आराम से दे सकती है। अगला क्वेश्चन आया है सुनील लखवानी का, ये ह्यूंडई वेन्यू और टाटा नेक्सॉन इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हैं, जानना चाहते हैं दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। सुनील जी, वैसे तो दोनों के अपने अपने USP हैं। वेन्यू की बात करेंगे तो दिस वॉज द फर्स्ट व्हीकल जो इस सेगमेंट के अंदर आई थी विच हैज गॉट इंटरनेट ऑन वाईफाई फीचर, जिसके साथ आप अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन डू लॉट ऑफ कंट्रोल्स रिमोटली एज वेल एज इन कार। और जो नेक्सॉन की बात करेंगे तो दिस इज दी ओनली कार इन दिस सेगमेंट जिसके अंदर 5-star स्क्रैच रेटिंग है। सो दे बोथ हैव देयर ओन USPs। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेन्यू देखिए, उसके अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं और साथ साथ में कंफर्ट एंड रीसेल वैल्यू ये भी बहुत बढ़िया है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, रेजिड्यूल वैल्यू जब आप बेचना चाहेंगे वो भी सबसे ज़्यादा है, और उसके अंदर सारे कनेक्टेड फीचर्स और इंटरनेट फीचर्स भी उसके साथ जाते हैं जिसके जो आपको नेक्सॉन में नहीं मिलेंगे। प्राइस उसकी शुरू होती है 8 लाख से और जाती है 13.5 लाख तक। 3 ट्रांसमिशन की ऑप्शंस हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड DCT। 18 किलोमीटर फ्यूल एवरेज का दावा है जबकि आपको इन टाउन 12 से 14 किलोमीटर बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज अ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।